हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। इस क्लास में इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17 देखेंगे, जो कि 17 अगस्त की है, क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश की। डियर स्टूडेंट, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके बेस पर आपको आंसर्स करने हैं। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। सो यहाँ पर सबसे पहला है, हम देखेंगे रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर। यदि आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे जाएंगे। आई नीड 100 पैसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे कितना चाहिए? 100 पैसोस चाहिए, किसके लिए? अपने खेत को फिर से बोने के लिए। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक फसल नहीं आ जाता तब तक जीवन यापन करने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉम, किसकी वजह से? हेल स्टॉम की वजह से। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप। ठीक है, उसने एनवेलप पर क्या लिखा? टू गॉड, यानी कि किसके लिए लेटर लिखा? गॉड के लिए। पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। ठीक है, उसके बाद उसको लेटर को एनवेलप में रखा और उसके बाद वो कहाँ पर गया? शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में उसने क्या किया? लेटर पर स्टैम्प लगाया और मेल बॉक्स में लेटर को ड्रॉप किया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड अ पोस्ट ऑफिस बेंट टू हिज बॉस लॉफली हर्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड। उसमें से एक एम्प्लॉयी जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस की सहायता करता था, ठीक है, वो अपने बॉस के पास हंसते हुए गया और उसको ये लेटर दिखाया कि देखो, भगवान के नाम का लेटर है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, क्योंकि उसने इतने सालों से पोस्टमैन का काम किया है लेकिन अपने कैरियर में अभी तक वो इस एड्रेस को नहीं जान पाया। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमाइबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। ठीक है, द पोस्ट मास्टर, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट अमाइबल फेलो, तो जो उसका मित्र था, काइंड या फ्रेंडली जो उसका मित्र था, वो भी क्या किया? हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से ही वो फिर क्या हो गए? तुरंत ही सीरियस हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ। ठीक है, और लेटर को डेस्क पर रखते उन्होंने बोला कि क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। और मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं ये इच्छा करता हूँ कि मैं उस इंसान के विश्वास पर विश्वास करूँ जिसने ये लेटर भगवान को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डिंग्स विद गॉड। ठीक है, लिंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हाट ट्राइड अबाउट हिज करेक्टर इज हाईलाइटेड हियर। ठीक है, तो कौन सा करेक्टर उसका दिखाया गया है? फेथ इन गॉड, यानी कि भगवान पर विश्वास। हुच क्वेटिव डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसके लिए कौन सा क्वेटिव बेस्ट होगा? स्टार्ट एवरी डे विद अ न्यू होप, लीव बैड मेमोरीज बिहाइंड एंड हैव फेथ फॉर अ बेटर टुमारो, देन दिस इज ओके। एवरी अकॉम्पलिशमेंट स्टार्ट विद द डिसीजन टू ट्राई, नथिंग इज इम्पॉसिबल फनली इम्प्रोवेबल, द क्लियरेस्ट वे इन टू द यूनिवर्स इज थ्रू अ फॉरेस्ट। तो यहाँ पर फेथ है, इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ए राइट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अमाइबल इज अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर इन द एक्सट्रैक्ट एबव। आफ्टर रीडिंग द थ्री गिवन मीनिंग, टिक द मोस्ट एक्यूरेट असर्सन फ्रॉम द ऑप्शन इन द बॉक्स गिवेन। अमाइबल, अमाइबल मीन्स क्या होता है? काइंड या वार्म या फ्रेंडली, तो यहाँ पर अनफ्रेंडली दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1 and 3 आर करेक्ट, मीन्स अमाइबल मीन्स क्या? काइंड एंड वार्म। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से हमने टोटल इसके क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, और डियर स्टूडेंट, जितना हो सके इस चैनल को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।